नमस्कार साथियों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में स्टडी विद रानू सर में। आज के सेशन में हम देखेंगे NCERT क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 1, जो साइंस की सीरीज चल रही है। इस साइंस की सीरीज में चैप्टर नंबर 1 आज अध्याय नंबर 1 है। तो इस चैप्टर में देखेंगे हम रासायनिक अभिक्रियाएँ एवं समीकरण। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाएँ ये क्या है? केमिकल रिएक्शन। अब ऐसी अभिक्रियाएँ जो दिन पे दिन हमारे आसपास घटती रहती हैं, लेकिन हमें उनका पता नहीं चलता है, तो आज हम उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो ऐसे परिवर्तन जिनमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है, उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जिसमें नए गुण वाले, जैसे कुछ नया गुण आ जाता है, जैसे दूध का दही में जमना, तो उसमें देखा जाता है कि दूध और दही में बहुत फर्क होता है। दूध थोड़ा स्वीट होता है और दही थोड़ा सावर होता है, तो इसमें कुछ नए गुण आ जाते हैं। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं, उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। जैसे कोई अभिक्रिया है, उसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जो भाग लेते हैं, मतलब जिनसे अभिक्रिया शुरू होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें ये सी प्रोडक्ट बनता है, इसमें क्या है, जिसमें ए और बी मिलकर क्या बनाया इन्होंने, ए तथा बी मिलकर क्या सी बनाया। सी क्या है? एक प्रोडक्ट है। ठीक है, ए और बी क्या है? अभिकारक है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण रासायनिक अभिक्रिया में होता है, उन्हें हम उत्पाद कहते हैं। ये क्या है? सी उत्पाद है। जैसे घरों में कभी कभी होता है, जैसे सब्जी वगैरह बनती है, तो सब्जी मसाला ये क्या हो गया, ये हमारे अभिकारक होते हैं, जो अभिक्रिया में भाग लेंगे, जो रिएक्शन में भाग लेंगे, जिसको हम अभिक्रिया स्टार्ट करते समय या कोई सब्जी बनाते हैं, कोई चीज़ करते समय, यानी देखिए घर में जो भी काम होते हैं, वो ज़्यादातर जैसे जो रासायनिक अभिक्रिया, जैसे घर में आग जलाते तो वो भी एक अभिक्रिया है, घर में से दही में परिवर्तित करते वो भी एक अभिक्रिया है। ठीक है, तो ऐसे अनेक ऐसे रिएक्शन है जिसको हम अभिक्रिया कहते हैं, और उनसे क्या है, हमें कुछ नए गुण वाले पदार्थ मिलते हैं, जिसको हम अभिक्रिया कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पर देखें, भोजन का पाचन भी एक अभिक्रिया है, श्वसन एक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है, लोहे पर जंग लगना, कभी कभी आपने देखा होगा कि कहीं पर लोहा पड़ा रहे तो उसमें जिंक ऑक्साइड जैसे बन जाते हैं, क्योंकि उस पर पानी या नमी पकड़ लेती है, तो उससे वो रासायनिक अभिक्रिया उसमें होती है। अब मैग्नीशियम के फीते का जलना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया, दही का जो बनना, दूध से दही का बनना भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण, यानी रासायनिक अभिक्रिया को हम पता करेंगे क्या है, कैसे परीक्षण हो, यानी पता कैसे करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। परीक्षण का मतलब क्या है, परीक्षण का मतलब ऑब्जर्वेशन करना। ठीक है, अवस्था में परिवर्तन, यानी जब हम कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसकी अवस्था यानी स्टेट परिवर्तन हो जाता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। रंग में परिवर्तन, जब कोई अभिक्रिया होती है तो उसके रंग में भी परिवर्तन होता है। तापमान में परिवर्तन, तापमान में भी परिवर्तन होता है, जैसे बर्फ का दूध जल से बर्फ का बनना या दूध से आइसक्रीम का बनना, जो भी है इसमें तापमान में टेम्परेचर में भी परिवर्तन होता है। अगर हम लोहे को पिघलाएंगे तो उसमें टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसके अवस्था में परिवर्तन होगा, तो इसमें पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। गैस का उत्सर्जन होना, जब कभी घर में देखा होगा आपने कि आग जलती है, तो आग में जो धुआं उठता है उसमें सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें होती हैं, तो उसमें क्या है, गैस का उत्सर्जन, तो वो भी एक अभिक्रिया है। रासायनिक परिवर्तन में प्रदर्शित करना, अब हम इसको कैसे परिवर्तन में प्रदर्शित कैसे करें, पहले हम देखते हैं शब्द समीकरण। तो शब्द समीकरण में क्या, ये जिंक और प्लस और ये सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, जो है लेफ्ट हैंड साइड अभिकारक, जो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ये अभिकारक, और ये जो एरो लगा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया की भाषा में इसे बराबर बोलते हैं। ठीक है, अब बराबर बोलते हैं, बराबर समझ लें, लेकिन ये ठीक है, जिंक जो शब्द समीकरण है उसमें जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल और प्लस लेफ्ट हैंड साइड जो अभिकारक, और ये क्या बराबर, बराबर को मतलब रासायनिक भाषा में इसको बराबर बोल सकते हैं। ये एरो, एरो ये दिखाता है ये सब क्रिया से इधर को परिवर्तन हुआ है। ठीक है, अब जिंक सल्फेट तथा हाइड्रोजन, और इससे क्या हुआ, जब जिंक सल्फ्यूरिक अम्ल अभिक्रिया की तो क्या हुआ, जिंक सल्फेट
और हाइड्रोजन हुआ जो वो क्या उत्पाद है जो अभिक्रिया के पश्चात बना है, ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया यानी रासायनिक समीकरण के रूप में देख ले, इधर जेड एन ए प्लस एच टू एस ओ फोर है लेफ्ट हैंड साइड में, इधर जेड एन एस ओ फोर एन जिंक सल्फेट हुआ प्लस हाइड्रोजन हुआ, ठीक है, इसे राइट हैंड साइड में। तो ये क्या हो गया, ये हो गया अभिकारक और ये हो गया उत्पाद, ठीक है। अब रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण क्या, रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। जो रासायनिक अभिक्रिया है, जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसे हम क्या रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित करते हैं। अब रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रति या अभिकारक या उत्पादों के सूत्र रासायनिक सूत्र में उनकी भौतिक अवस्था में भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं, ठीक है, भौतिक अवस्था के साथ लिखते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियाँ जैसे ताप, दाब, उत्प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है, ठीक है। जैसे ये रासायनिक अभिक्रिया है, अगर ताप दाब रासायनिक अभिक्रिया दिखाना होता तो यहाँ पर हम दर्शाते हैं, ठीक है, उत्प्रेरक के रूप में तीर के निशान के ऊपर। जैसे ये तीर का निशान एरो का निशान है, अगर हमें कुछ दिखाना होता उत्प्रेरक के रूप में तो इसे ऊपर दिखाते हैं। और रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना, अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान को ना तो निर्माण किया होता है और ना ही विनाश होता है, ठीक। तो रासायनिक अभिक्रिया से पहले अभिकारक एवं उसके पश्चात उत्पाद, जो रासायनिक अभिक्रिया में पहले बनता है उसे हम अभिकारक कहते हैं, उसके पश्चात उत्पाद कहते हैं। प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है, जो उसमें परमाणु होते हैं उसकी संख्या समान होनी चाहिए और होती है, ठीक है। चरणबद्ध संतुलन करना, अब हम क्रमबद्ध जैसे चरणबद्ध चरण नंबर वन में रासायनिक समीकरण को लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लें, ये हमारा बॉक्स बन गया, ठीक है, ये बॉक्स बन गया। अब हम इसमें संतुलन करने के लिए इनको मूलांकन करेंगे, इसका मूलांकन करेंगे, ठीक है। ये संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ परिवर्तन नहीं किया, जो ये तत्व हैं जो ये H2O में कोई अंदर परिवर्तन नहीं किया जा सकता। Fe2O3 है इसमें और H2O, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हाँ, इसके बाहर कुछ संख्या को बढ़ाया या घटाया जा सकता है, अब समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या को नोट कर लिया जाता है, जैसे क्या लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और इसमें राइट हैंड साइड। अब जैसे एफ ई में यहाँ एफ ई के आगे कोई संख्या नहीं है, इसमें कोई नंबर नहीं है, तो इसकी संख्या कितनी है, परमाणु संख्या ए, ठीक है। और एफ ई उत्पाद के लंग कितना है, एफ ई उत्पाद के लंग है दो, ठीक है, एफ ई उत्पाद के लंग है दो। अब आयरन दो, हाइड्रोजन सॉरी, अब हाइड्रोजन कितने हैं, टू, तो यहाँ पर है जो एल एच एस यानी लेफ्ट हैंड साइड में है टू और राइट हैंड साइड में भी टू, ठीक है, तो ये बराबर है। ऑक्सीजन राइट हैंड साइड में वन है वन और ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में कितने है थ्री, लेफ्ट हैंड साइड में कितने है थ्री, ठीक है। अब सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित करते हैं। अब इसमें क्या हमें कोई अनुचित गुणांक या उचित गुणांक लगाकर उसमें प्रदर्शित करते, जैसे साइड हमने चार जोड़ दिया तो इसमें 4H2O हो गया, ठीक है, 4H2O हो गया, इसमें 4H2O हो गया। अब इसमें देखो हाइड्रोजन के कितने हो गए, चार दूनी आठ, यहाँ जो आगे लग जाता है इसमें ये सबके लिए लागू होता है, जो आगे फोर लगे हैं ये सबके लिए लागू है, जैसे फोर यानी 4OB है और इधर जो पर्सनल अगर यहाँ हम टू लगा देते तो ऑक्सीजन भी चार दूनी आठ हो जाते, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है, ये यहाँ कुछ नहीं है तो इसके मतलब क्या है, ये बिल्कुल सेम है, मतलब ये सिर्फ जो आगे है वही संख्या इसके लिए लागू होती है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं तो 4H8, तो हम यहाँ भी चार ऐड कर दें, इससे क्या है 4H2 चार दूनी आठ हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ यह थ्री है Fe3 है तो हम यहाँ पर थ्री ऐड कर देंगे, ठीक है, तो हमारा समीकरण संतुलित हो जाएगा। सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या को अभिक्रिया के दोनों ओर समान होनी चाहिए, जितने भी परमाणु इधर हैं उतने ही इधर होने चाहिए, जैसे तीन
थ्री एफ ही है और इधर भी थ्री एफ ही है। इधर फोर टू जा एट, एट हाइड्रोजन, इधर भी फोर टू जा एट हाइड्रोजन, इधर फोर ऑक्सीजन, इधर भी फोर ऑक्सीजन। इसका मतलब हमारा समीकरण संतुलित है। ठीक है, अब चरण नंबर पाँच, अब कारको एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखने पर, अगर हम इनकी भौतिक अवस्था लिखने से, तो जैसे ठोस को सॉलिड और द्रव को एल, मतलब लिक्विड और गैसीय अवस्था गैस, इनसे प्रवेश जलीय विलयन को एक ही व्याक्रम को प्रदर्शित करते हैं। जैसे एफ ई आयरन क्या है, सॉलिड है, एच टू ओ फोर एच टू क्या है, गैस है, और इसको हम जल है, ये गलत हो गया, तो ये क्या है, जल है, ठीक है, गैस नहीं है। तो एफ ई टू ओ और एक्वरम है, लवण है, मतलब जलीय विलयन है, और इधर फोर एच टू ये गैस है। ठीक है, कुछ आवश्यक परिस्थितियों में जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को तीर के कोई भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखें। अगर कोई ताप या गर्म किया गया है तो उसे हम ऊपर रख सकते हैं, दाब लगाएगा तो नीचे लिख सकते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ठीक है, हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है। अब संयोजन अभिक्रिया, जैसे नाम से ही पता चल रहा है, संयोजन यानी किसी का संयोजक होना, ठीक है, किसी का संयोजक होना ही संयोजन अभिक्रिया। जैसे ए और बी दो मिलकर के क्या हुआ, सी बना है, तो इसमें क्या है, संयोजक। दो या दो से अधिक पदार्थ अभिकारक के रूप में मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, उसे हम संयोजक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे संयोजक अभिक्रिया के लिए, संयोजन अभिक्रिया के लिए, जैसे घर में है, हम जब आग जलाते हैं तो आग में लकड़ी और थोड़ा कागज़ वगैरह लगाते हैं, तो उसको बाद फिर हमको जो मिलता है वो उत्पाद यानी राख के रूप में मिलती है, वो उत्पाद होता है। ठीक है, या हम घर में कोई डिश बनाते हैं, जैसे डिफरेंट टाइप के मसाले वगैरह डाल के आलू और आलू डिश बनाते, जो भी बनाते हैं, उसके बाद जो निकलता है वो सब्जी होती है, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे कोयले का दहन, कोयले का दहन है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलकर CO2 का निर्माण करेंगे। ठीक है, इससे कोयले का दहन। जल का निर्माण, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या करते हैं, जल का निर्माण करते हैं, जो लिक्विड बनता है। ये कौन सी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। COH यानी बिना बुझा हुआ चूना और H2O जल मिलकर क्या, बुझा हुआ चूना बनाते हैं, इसको जलीय विलयन है। ठीक है, अब ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया, जैसे नाम से ही पता चलता है ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी होती जो ऊष्मा को शोषण करती लेकिन एब्जॉर्ब करती, लेकिन ऊष्मा क्षेपी, तो ऊष्मा क्षेपी है जो ये ऊष्मा को छोड़ती है। जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन मतलब वहन होता है, जैसे प्राकृतिक गैस का दहन, जब हम घर में प्राकृतिक गैस का दहन करते हैं, जैसे CH4 यानी मैथेन, जो घर में हम खाना बनाते हैं, उसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति है, जब उसका दहन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, CO2 प्लस जल प्लस ऊष्मा। ठीक है, ऊष्मा सबसे ज़्यादा हम क्या करते हैं, ऊष्मा, जल की मात्रा तो कम होती है क्योंकि हमें पता नहीं लगती, लेकिन ऊष्मा ज़्यादातर होती है, तो इससे हम पता चल जाता है। श्वसन एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, श्वसन क्या है, एक ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है, जो ऊष्मा छेपी यानी छोड़ता है, जैसे ग्लूकोज का दहन प्लस ऑक्सीजन के साथ CO2 बने प्लस H2O प्लस ऊष्मा दिया। ठीक है, अभियोजन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाते हैं। अभियोजन, संयोजन का मतलब दो या दो से अधिक मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, और वियोजन जस्ट उल्टा है, वियोजन मतलब वियोजित होना यानी अलग अलग होना, जिनका योजन, बी योजन यानी योजन को अलग करना, तो इसका क्या है, एक पदार्थ अभिकारक के रूप में जिससे दो बनते हैं उत्पाद। ठीक है, अब उसमें वियोजन, जो वियोजन है वो दो फिर उसका एक डिफरेंट प्रकार है कि उसमें वियोजन, ऊष्मा द्वारा किया गया वियोजन, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसमें ऊष्मा के द्वारा वियोजन किया जाता है। अब उसमें देखते हैं, जैसे फेरस सल्फेट है, सॉलिड है, ऊष्मा दिया, तो फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 बनकर तैयार हुआ, जो भूरा लाल अपच्छेद दिया। ठीक है, अब चूना पत्थर, जैसे खड़िया है, उसको ऊष्मा दिया तो बिना बुझा हुआ चूना और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित हो गया, तो इससे क्या हुआ, वियोजन, वियोजन मतलब ऊष्मीय वियोजन की अभिक्रिया है। ठीक है, अब वैद्युत वियोजन, जो हम वैद्युत धारा के द्वारा हम जिस काम वियोजन कर सकते हैं, वैद्युत धारा प्रवाहित कर होने वाले वियोजन को हम वैद्युत वियोजन कहते हैं। ठीक है, वैद्युत वियोजन कहते हैं, जैसे जल, जल में वैद्युत धारा प्रवाहित करने पर 2H2+O2 आता है। ठीक है, अब इधर देखो, यहाँ पर एक बीकर लिया गया है, ठीक है, जो प्लास्टिक का मग है, इसमें हाइड्रोजन की एक नली है,
टेस्ट ट्यूब है और एक ऑक्सीजन की टेस्ट ट्यूब मतलब परख नली। तो इसमें परख नली ली गई जिसमें एक में पानी ठीक है और पानी, इसमें अंदर पानी, एक में अंदर पानी है इसमें बाहर पानी ठीक है, और इसमें हाइड्रोजन गैस भरी हुई है और इसमें ऑक्सीजन गैस भरी है, इसमें ग्रेफाइट रॉड पड़ी हुई है ये, और जिसमें रबर स्टॉपर लगा हुआ है और एनोड और कैथोड, इसमें हम स्विच लगा दिए जिससे हम 6 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी है ठीक है। तो ये अभिक्रिया जिससे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का वियोजन कर सकते हैं। तो प्रकाशीय वियोजन, जो वियोजन अभिक्रिया होती है कुछ प्रकाश के द्वारा भी वियोजित होने लगती है, जैसे AgCl, अगर हम सूर्य के प्रकाश को अगर हम उस पर AgCl में डालेंगे तो Ag+Cl अलग अलग हो जाएंगे, तो इसलिए AgCl किससे होता है, सूर्य के प्रकाश से। अब AgBr सिल्वर ब्रोमाइड AgBr, जो सूर्य के प्रकाश में Ag और Br अलग अलग हो जाएंगे ठीक है। इस अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी के रूप में किया जाता है। अब ऊष्मा क्षेपी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी का मतलब जो अभिक्रिया का जो ऊष्मा का शोषण करता है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारक को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है ठीक है, जो छोड़ती नहीं है वो एब्जॉर्ब करती है। तो विस्थापन अभिक्रिया, इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को एक यौगिक उसके यौगिक में विस्थापित कर देते हैं। तो क्या है? कम क्रियाशील तत्व को एक अधिक क्रियाशील तत्व में विस्थापित कर दिया, जैसे Fe सॉलिड ठीक है, आयरन है, और कॉपर सल्फेट ये क्या है जलीय विलयन है, जो फेरस सल्फेट ये क्या अधिक क्रियाशील है, इसमें कॉपर अलग हो जाए, जो आयरन है वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है तो कॉपर को अलग कर देता है, जो सल्फेट आयरन के साथ अभिक्रिया करके बना लेता है ठीक है। अब इसमें दिखाया गया स्टैंड लगा हुआ है, टेस्ट ट्यूब है, इसमें यार्न लगाया है, एक धागा लगाया गया है, और कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन भरा गया है जिसमें लोहे की कील पर देखा गया है। तो इसमें क्या हुआ, सल्फेट सबसे ज़्यादा लोहे की कील पर आता है ठीक है, लोहे की कील पर भूरे रंग की कॉपर की परत जम गई, जो कॉपर सल्फेट के नीले विलयन का रंग हरा FeCFeSO4 का निर्माण के कारण हुआ, जिसमें जिंक सल्फेट वो जिंक प्लस कॉपर सल्फेट पर इधर जिंक सल्फेट बन गया प्लस कॉपर आ गया, जिंक कॉपर से अधिक क्रियाशील तत्व ठीक है। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया में उत्पादों का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों से आदान प्रदान होता है, जिसमें आयन का आदान प्रदान होता है, जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 प्लस NaSO4 प्लस 2NaCl ठीक है। सबसे अच्छा उदाहरण है NaCl, NaCl में क्या होता है, Na जो होता है ये 1+ होता है ठीक है, और Cl होता है ये 1- होता है ठीक है। तो आगे जलकर ये जो एक इसका पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन तो वो इसको दे देगा क्लोरीन को, तब जाके बनेगा क्या हमारा NaCl, NaCl ठीक है। अब बेरियम सल्फेट, जिसमें बेरियम और सल्फेट सफ़ेद अम्ल अपक्षेप का निर्माण करते हैं, इसलिए ऐसे अभिक्रिया को अपक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। अब उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया, उपचयन क्या है, उपचयन जैसे जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे उपचयन कहते हैं, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे हम अपचयन कहते हैं। अपचयन का मतलब विघटन होना, जब किसी का ह्रास का मतलब नष्ट होना या कम होना है, कमी आना, ह्रास का मतलब ये है। तो जब किसी में हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे हम अपचयन कहते हैं, जब ऑक्सीजन में वृद्धि होती है उसे हम उपचयन कहते हैं ठीक है, जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ठीक है, ऑक्सीजन और जिसमें बना है CO2 ठीक, तो इसमें क्या हुआ अपचयन ठीक है, कार्बन कॉपर प्लस ऑक्सीजन पर इसमें क्या हुआ अपचयन, फिर इसमें कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को गर्म करके क्या हुआ अपचयन ठीक है। तो अपचयन जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, इसमें क्या होता है ऑक्सीजन का ह्रास होता है ठीक है, जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है तो उसे कहते हैं उपचयन और अपचयन, जैसे CO कॉपर यहाँ पर कितने 2+ है ठीक है, और यहाँ पर आकर कितना हो गया कोई पॉजिटिव नहीं है ठीक, सिर्फ किसी से अभिक्रिया नहीं है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2+ है और यहाँ पर आकर जल में मिलकर कोई नहीं हुआ ठीक है, कोई इसमें कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो ये अपचयन हो गया। इस अभिक्रिया में कॉपर सल ऑक्साइड कॉपर से अपचयित हो जाता है और हाइड्रोजन उपचयित होकर जल बनाता है ठीक है। इस अभिक्रिया में उपचयन तथा अपचयन दोनों ही हो रहे हैं, ऐसी अभिक्रिया को रिडॉक्स कहते हैं ठीक है, जिसमें एक बार फिर से देखिए, जिसमें हाइड्रोजन का
क्षय होता है यानी जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे उपचयन कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का ह्रास होता है क्षय होता है उसे हम अपचयन कहते हैं, लेकिन जिस अपक्रिया में दोनों ही होती है उसे हम रिडक्स अपक्रिया कहते हैं। अब दैनिक जीवन में उपचयन, दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में क्या है, दैनिक जीवन में अपचयन अपक्रिया के प्रभाव, दैनिक जीवन में अपचयन अपक्रिया के प्रभाव। अब संक्षारण, जब कोई धातु ऑक्सीजन आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आती है तो उसकी ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, संक्षारित हो जाती है, विघटित हो जाती है, जैसे लोहे की वस्तु पर जंग लगना, ठीक है, चांदी के ऊपर, चांदी के ऊपर वाली काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाना, ठीक है, चढ़ाना संक्षारित के उदाहरण है, संक्षारित के उदाहरण है। यसद लेपन, विद्युत लेपन या पेंट करवा का संचारण धातुओं को बताया, जैसे कभी जो घर में दरवाजे वगैरह लगते हैं उसमें हम पेंट कर देते हैं। अब विकृत गंध का, वसा युक्त या तैलीय खाद्य सामग्री वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाती है, जिसमें जिसके जिससे उनके स्वाद व गंध में परिवर्तन हो जाता है, जैसे विकृत गंधता के, जैसे घर में खाना बनता है कभी लेट हो जाने के कारण, मतलब ज़्यादा समय तक रखे रहने पर उसमें गंध आ जाती है, तो इसे क्या हम कहें, विकृत गंध का, यह भी एक अपक्रिया है। अब विकृत गंध का रोकने के उपाय, प्रति ऑक्सीकरण कारक का उपयोग करके और वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री रखकर वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस द्वारा, शीतलन द्वारा, ठीक है, इन चीज़ों से करते हैं। तो आज का अध्याय हमने अच्छे से कवर कर लिया, उम्मीद है कि आपके लिए यह वीडियो हेल्पफुल